पुलिस ने हनुमाकोंडा बस स्टैंड की घेराबंदी की। लगभग 80 पुलिस कर्मियों ने घेरा, तलाशी में भाग लिया। इस अवसर पर कॉलोनियों की काउंसलिंग की गई। इस कार्यक्रम में हनुमाकोंडा सीआई वेणु माधव और सूबेदारी सीआई राघवेंद्र सीआई सतीश ने भाग लिया। इस अवसर पर हनुमाकोंडा के एसीपी जितेंद्र रेड्डी ने कहा, सभी को हेलमेट पहनकर वाहन चलाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर सभी के पास सामुदायिक सीसीटीवी कैमरों के बजाय उनकी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो वो किसी भी अप्रिय स्थिति में अपराधियों को तुरंत ट्रैक कर सकेंगे। घटना अगर कॉलोनी में कोई अज्ञात व्यक्ति पाया जाता है तो वो पुलिस को सूचित करें। जैसे ही आपको पता चलेगा कि भांग गुटखा तस्करी के लिए, पुलिस को जानकारी दें। हनुमाकोंडा एसीपी जितेंद्र रेड्डी ने कहा, जानकारी देने वालों का विवरण गोपनीय रखा जाएगा। तेलंगाना हनुमाकोंडा नवभारत समाचार से कैमरामैन फिरोज के साथ गोवर्धन जोशी की रिपोर्ट।